ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मंत्र जिससे कि आप किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। इस मंत्र का प्रयोग आप फोटो पर कर सकते हैं, खाने पर कर सकते हैं, पीने की किसी चीज़ पर कर सकते हैं और ये कुछ ही दिनों में अपना असर दिखा देता है। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही गूढ़ मंत्र है और इसके बारे में मैं आपको 7-8 साल पहले बता चुका हूँ। और इससे आप किसी को भी उसकी तस्वीर से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसको आप किसी भी खाने पीने की चीज़ में अभिमंत्रित करके दे सकते हैं और ये एक हफ्ते के भीतर भीतर जिस पर भी आप ये करोगे उसको आपके अधीन कर देगा। वो सोते जागते बस आप ही का गुणगान करेगा। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही गूढ़, ऐसे मंत्र बहुत ही कम है मेरी डायरी में। और जिस जिस को मैंने ये मंत्र दिया है इसने अपना काम बखूबी किया है। तो एक बार इस मंत्र को आजमाएं और फिर देखें किस तरह से आपका जो साथी है वो आपके प्यार में बावरा हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि गुरुजी कोई सिंपल सा मंत्र दीजिए, कोई ऐसा यंत्र दीजिए जो कि मैं घर पे ही कर पाऊँ। तो ये जो विधि है ये आप अपने घर पे कर सकते हैं और इसका जो है परिणाम आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। ये जो मंत्र है वैसे तो ये मंत्र था फोटो पर करने के लिए, लेकिन इसका जो प्रयोग है मैंने पानी पर भी करके देखा है। तो पानी पर जब मैंने इसका वीडियो बनाया पानी के लिए तो इसने पानी पर भी बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि पानी में जो है मेमोरी होती है। आप कुछ भी पानी में अगर इन्फ्यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी फलित होता है। और अब तो साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि जो पानी है वो आपकी बातें, आपके विचार स्टोर कर सकता है। और ये जो तंत्र है ये लाखों साल पुराना है और आज मैं आपके सामने इसका पूरी विधि बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। यदि अपनी गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करना हो, पति को वश में करना हो या फिर कोई रूठ कर चला गया हो तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए ना करें, क्योंकि जब आपकी भावनाएं किसी का अहित करने के लिए आपको प्रेरित करेंगी तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। अपने मन को एकाग्र करें, एकाग्रचित करें और किसी का बुरा ना करें। यदि मन में सच्चा प्यार है तभी इसका प्रयोग कीजिएगा, तो ये बखूबी आपके लिए काम करेगा। मैंने लाखों लोगों पर यह टेस्ट किया है और उनमें से सबसे ज़्यादा जो काम करता है जिस पर ये, वो है पानी, उसके बाद है खाने की चीज़ें और उसके बाद है फोटो। इन तीन चीज़ों पे ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है और जिस जिस को मैंने ये दिया उनका काम इसने बनाया है। और आप भी अगर आपकी कोई ऐसी समस्या हो जो कि सॉल्व ना हो रही हो तो इसको अवश्य प्रयोग में लाएं। विधि बहुत ही सिंपल है, बस इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 की संख्या में और किसी भी खाने पीने की चीज़ में इन्फ्यूज़ करके दे देना है। मंत्र स्वयं सिद्ध है, शाबर मंत्र है और इसका प्रयोग करने से पहले आपको इसकी सिद्धि की आवश्यकता नहीं होगी। और ये फोटो पर किया जा सकता है, मोबाइल पे किया जा सकता है, जिस पे भी आप चाहे कर सकते हैं और घर बैठे भी आप कर सकते हैं इसको। तो आइए मंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो मंत्र है ओम नमो त्रिजट लंबोदर वदवद, साथी का नाम आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। तो ये जो मंत्र है ये बड़ा ही चमत्कारी है। मैं जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको सबसे पहले ये मंत्र देता हूँ, क्योंकि इसका जो पावरफुल इफेक्ट होता है वो दूसरे मंत्रों में नहीं है,
बहुत जल्दी बहुत शीघ्र इसका जो है असर होना शुरू हो जाता है। स्वयं सिद्ध मंत्र है, शाबर मंत्र है, तो इसको जब भी आप प्रयोग में लाएं तब 108 बार जप कर आपको 7 बार अपना जो हाथ है वो खाने की चीज़ में, जैसे आप कोई पानी का ग्लास दे रहे हैं तो अपना राइट हैंड उसके ऊपर रखें और 7 बार इस मंत्र को बोल दें। और फिर जो भी आपका साथी है, जो भी जिसे भी आप चाहते हैं कि वो आपके वश में हो, उसको ये पीने के लिए दे दें तो ये मंत्र अपना काम शुरू कर देगा। अगर आप किसी खाने की चीज़ में इसको अभिमंत्रित कर रहे हैं तो 108 बार बोलकर उस थाली को पकड़ लीजिए अपने हाथ में या फिर उसको छू लीजिए किसी भी तरह से, ताकि अगर आपके सामने आपका साथी बैठा है तो कुछ इस तरह से कीजिएगा कि उसको ज़रा सा भी शक ना हो, क्योंकि अगर ऐसे में बात अगर आगे बढ़ गई, वो पूछने लग गए, तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपको सब कुछ छुपा कर करना है, जब तक ये काम ना बन जाए किसी को ना बताएं। यदि परिणाम से पहले ही आपने 10 लोगों को इसके बारे में बता दिया तो आपका ये जो मंत्र है ये काम नहीं करेगा। इसको गुप्त रखें जब तक ये पूरा ना हो जाए, और जब ये आपको फल दिखा दे उसके बाद आप बता सकते हैं। तो अगर आप खाने की थाली में कर रहे हैं तो खाने की थाली को पकड़िए अपने राइट हैंड से, 108 बार मंत्र बोलिए अपने मन में और 7 बार मंत्र बोलकर ये जो थाली है ये खाने के लिए दे दीजिए किसी को भी। उसके बाद अगर आप फोटो पर कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप हार्ड कॉपी रखें। हार्ड कॉपी जो है वो जल्दी इफेक्ट दिखाएगी, जहाँ कि आप मोबाइल की फ़ोटो में करेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। एक हार्ड कॉपी प्राप्त करें अपने प्रेमी की और उसके ऊपर इस मंत्र को 108 की संख्या में जाप करें और फिर अपनी फूंक मार दें उस पर। इसके बाद जो है आपका जो साथी है वो चाहे मीलों दूर क्यों ना रहता हो, वो भी आपके प्यार में बावरा हो जाएगा। ये बहुत ही सरल मंत्र है, बहुत ही गोपनीय विधि है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ लेकिन इतनी डिटेल में मैंने आपको नहीं बताई थी। तो इसको कीजिएगा और आपके जो हैं जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। यदि इसमें कोई आपको मंत्र समझ में ना आ रहा हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन में कहीं दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर। आप मेरी वेबसाइट kaliavidya.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र मिल जाएंगे। और यदि आप सीखना चाहते हैं षटकर्म तो वहाँ पर आपको षटकर्म का पूरा कोर्स मिल जाएगा और उसमें जो है आप कर्मकांड भी सीख सकते हैं। तो इस मंत्र को करने से पहले आपको सात्विक रहना होगा। जब भी कोई साधना शुरू करें तो सात्विक रहिए, किसी भी जानवर का मांस ना खाएं, चाहे वो चिड़िया हो, कबूतर हो, या आपकी मुर्गियां हों, चाहे वो पोल्ट्री की मुर्गियां हों, चाहे वो देसी मुर्गियां हों। कई लोग कहते हैं कि पोल्ट्री की मुर्गियां तो बनी इसलिए होती हैं, तो किसी भी तरह का मांस जो है वो आप सेवन ना करें। अंडे भी नहीं खाने हैं, धूम्रपान जित किसी भी तरह का मादक पदार्थ जो है उसका सेवन आपको नहीं करना है, बिल्कुल सात्विक रहना है, तब जाके ये चीज़ें काम करेंगी। अगर किसी भी तरह का व्यसन आप लेते हैं, किसी भी तरह का धूम्रपान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट अगर आप खाते हैं, पीते हैं, तो ये चीज़ें मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। अगर आप चाहते हैं करना तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, इनको छोड़कर उसके बाद आप ये प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी आते हैं कि गुरु जी हमारा काम नहीं हुआ, आपका मंत्र जो वो काम नहीं करता, तो वो इसीलिए काम नहीं करता क्योंकि आपने जो है इसकी शुरुआत में अपने आप को पवित्र नहीं किया। आपके मन मस्तिष्क में जो है अगर सच्चा प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि वो सामने वाला आपसे वशीभूत हो, तो उसके लिए पहले आपको सात्विक होना पड़ेगा। अपने विचारों को सात्विक कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए और उसके बाद देखिए किस तरह से ये जो प्रकृति है वो आपके काम बनाने शुरू कर देगी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम प्रकृति को कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए और वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सात्विक होना पड़ेगा। अपने आहार पर ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए और पूजा पाठ में जो है ज़्यादातर समय गुजारें, तो इससे जो शक्तियाँ हैं वो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आपके साथी को आपकी ओर आकर्षित करके लाएंगी। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि
जब ये प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप कहीं पर भी जाएं, जैसे आज से आपने शुरू किया और आप चले गए बाज़ार में, तो आपका साथी आपको बाज़ार में ही दिख जाएगा पहले ही दिन से। अगर आप कहीं बाहर गए तो भी वो वहाँ पर पहुँच जाएगा किसी भी तरह से। आप देखिएगा, जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो ना चाहते हुए भी वो आपके समीप आता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से वो आपके सामने आ ही जाएगा। तो किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो कॉल कीजिएगा 9999841625 पर, और आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं kaliavidya.com पर। और बस इतना ही, धन्यवाद।